तो बच्चे लोग देखिए, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या क्या चीज आपको भरना ही पड़ेगा 10,000 पाने के लिए, और ये सब कंपलसरी है। तो अलग अलग स्कूल में ना अलग अलग फॉर्म दिया गया है, बट ये सारे इन्फॉर्मेशन आप कम से कम फिलअप कर दीजिएगा। ये जरूरी है 10,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा, इंतजार ज्यादा करने का जरूरत भी नहीं है, कुछ दिन बाद ही आपके अकाउंट में 10,000 आ जाएगा। 5 जुलाई लास्ट डेट है, आपको हम बताते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए, नेम ऑफ द स्कूल, अपना स्कूल का नाम जरूरी है, नेम ऑफ द स्टूडेंट ये जरूरी है, मोबाइल नंबर जरूरी है, रोल नंबर जरूरी है, नेम एज इट अपीयर्स इन बैंक अकाउंट, मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है, जैसे मान लीजिए अगर पिताजी का अकाउंट नंबर दे रहे हैं तो पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, कॉमन सेंस। इफ द बैंक अकाउंट इज नॉट इन द नेम ऑफ स्टूडेंट, रिलेशनशिप ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर विद द स्टूडेंट, अगर बैंक अकाउंट आपके नाम पर नहीं है, अगर बैंक अकाउंट आपके नाम पर नहीं है तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट अगर आपके नाम पर नहीं है तो आप वहाँ पर अपना जिनका बैंक अकाउंट दे रहे हैं उनका नाम देंगे। जैसे अगर पिताजी का बैंक अकाउंट दे रहे हैं तो उनका नाम दे दीजिए, उनसे आपका क्या रिश्ता है, तो पिताजी है ऑब्वियसली। अगर भाई का बैंक अकाउंट दे रहे हैं तो भाई का साथ क्या रिश्ता है वो दे दीजिएगा। नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम जरूरी है, बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर जरूरी है भाई, कहाँ मिलेगा, बैंक पासबुक निकालिएगा उसका फर्स्ट पेज में मिल जाएगा। ब्रांच, कौन सा ब्रांच में आपका अकाउंट है, और हर ब्रांच का ना अपना एक IFSC कोड होता है, बस समझे ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, वो तो वो IFSC कोड हर एक बैंक का होता है, वो दे दीजिएगा। उसके बाद गार्जियन का सिग्नेचर, उसके बाद अपना सिग्नेचर, और उसके बाद तो क्या है, 10,000 रुपये अकाउंट में। ठीक है बाबू, तो इसको शेयर करिए, हार्ड शेयर करिए, खतरनाक तरीका से शेयर करिए। ठीक है बाबू, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना है। उसके अलावा आपका स्कूल अगर कोई चीज़ स्पेशली आपको बोला है तो स्कूल से एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, लेकिन फॉर्म सही से भरिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप हमको मैसेज करके पूछ लीजिए। थैंक यू, शेयर जरूर करिएगा बाबू।